दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके कदमों में जाके गिरे। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर टेकिंग नोटिफिकेशन फर्स्ट। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रूशियल कंटेंट में। इसमें हम एक ऐप्स डेवलप करने जा रहे हैं एंड्रॉयड का, जो कि मीम शेयरिंग ऐप। आप सभी लोग जानते होंगे मीम के बारे में, जो हम मीम अपने व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो कुछ उसी तरह का ऐप्स डेवलप करने वाले हैं। बेसिकली इस ऐप में हम जो सर्वर पे ये मीम्स रखी गई हैं, जो डेटा रखी गई हैं, उनको अपने ऐप्स के अंदर हम फेच करके नेटवर्क रिक्वेस्ट के थ्रू हम अपने ऐप के अंदर ला रहे होंगे और अपने ऐप्स पे शो करवा रहे होंगे। तो बेसिकली इसमें हम कुछ चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। सपोज़ करिए कि जैसा आप कुछ खाना बनाने जाते हैं या कुछ डिशेज़ तैयार करने जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, सारी स्पेसीज को कलेक्ट करते हैं कि क्या क्या हमारे खाना बनाने या डिश के अंदर क्या क्या हमें ज़रूरत होनी। जैसे आप चाय बनाने जाते हैं तो उसमें जो जो चीज़ें आप ज़रूरत होती हैं तो उसको पहले कलेक्ट कर लेते हैं फिर बनाते हैं। उसी तरह हम अपने ऐप्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होनी है पहले उसको ध्यान देना। सबसे पहले तो हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, क्योंकि हम अपने ऐप के अंदर इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे तभी तो सर्वर से डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा इंटरनेट होगा। और अब बात करते हैं, जब हम डेटा को अपने ऐप के अंदर रिक्वेस्ट एक्सेस कर पा रहे होंगे, अपने फेच कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हमें एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि वॉली लाइब्रेरी होगी। उसको हम यूज़ करने वाले देखेंगे इस वीडियो में, कंप्लीट जानेंगे वॉली लाइब्रेरी कैसे काम करता है। और अगर हमें इमेज को लोड करना है, इमेज को भी हमें स्क्रीन पे लाना होगा, लोड करना होगा, तो उसके लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, ग्लाइड लाइब्रेरी, जो कि इमेज को लोड करने के काम आती है। तो कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटी, कुछ इस तरह की लाइब्रेरीज हम अपने ऐप के अंदर यूज़ करने वाले हैं। कुछ इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा, जैसे आप देखिए जब इसको हमारे स्क्रीन पे आ रहा होगा तो इस इमेज को हम लोड हो रहा है, वहाँ पे हमने वहाँ पे हमने एक लोडर लगाया हुआ है। जब भी देखिए जब हम नेक्स्ट मीम पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये लोडर घूम रहा है और हमारा जो API से दूसरा API को लोड कर रहा है, तो लोडर घूम रहा है, फिर जहाँ इमेज डाउनलोड हो जा रही है, लोड हो जा रही है, तो फिर हमारा लोडर जो है ये ख़त्म हो जा रहा है। कुछ इस तरह से जैसे आप शेयर बटन पे क्लिक करते हैं, देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है, शेयर दिस मीम यूजिंग आप व्हाट्सएप से विडमेट, जिससे भी आप शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की ऐप्स का इंटरफेस होने वाला है। देखिए यहाँ पे एक मीम्स आ रहा है, ये सारी चीज़ों को आप इस ऐप में सीखेंगे। बेसिकली इसमें हम बात करें तो चलिए सबसे पहले हम मेन एक्टिविटी main.xml के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें हमने कॉन्स्टेंट लेआउट का यूज़ किया हुआ है, एक इमेज व्यू हमने लगाया हुआ है, फिर से हमने एक ये देखिए ये हमारा इमेज व्यू है, सॉरी मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये हमारा एक इमेज व्यू है। इस पर हमारा जो हम मीम्स फेच कर रहे होंगे तो वो यहाँ पर शो कराएंगे। तो एक इमेज व्यू हमने लगाया हुआ, ये जो लोडर है बीच में देख रहे हैं आप, ये लोडर है, लोडिंग का काम करेगा, मतलब जब हम हमारी नई मीम आ रही होगी तब तक ये लोड करेगा। तो आपने देखा होगा लोडर ये आपकी कैसे ऐप में काम करता है। तो इसका यहाँ पे हम एक प्रोग्रेस बार है, इसको अब हमें एंड्रॉयड के अंदर प्रोग्रेस बार कहते हैं, तो ये प्रोग्रेस बार है। और हमने दो बटन्स का यूज किया, एक शेयर बटन, देखिए ये शेयर बटन है हमारा, और ये एक है नेक्स्ट मीम बटन, जिसमें हम जहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक दूसरा एक मीम आ जाएगा। कुछ इस तरह से इसका एग्जाम्पल वाला पार्ट है, मैं आपको एग्जाम्पल वाला पार्ट स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह है, जो हमारा कॉन्स्टेंट लेआउट लगाए हैं और ये हमारा इमेज व्यू है और ये हमारा प्रोग्रेस बार है और यहाँ पे हमने बटन का यूज़ किया हुआ है, एक हमारा शेयर बटन है और एक है ये हमारा नेक्स्ट बटन है, और एक हमने गाइडलाइन भी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ताकि बटन्स अपने इफ़ेक्टिव वे में रहें, इफ़ेक्टिव वे में दिखें। तो कुछ इस तरह की इसका इंटरफेस होने वाला है। तो ये XML पार्ट है, आप देख सकते हैं, मैंने आपको स्क्रॉल करके दिखा भी दिया है, बटन है, दो बटन हमने यूज़ किया, एक प्रोग्रेस बार यूज़ किया है और एक इमेज भी यूज़ किया है। इसी पे हमारा
ये हमारा XML का पार्ट है दोस्तों। अब आप ये देखिए build.gradle फाइल है, इसमें कुछ हम dependencies को ऐड करेंगे। ये प्लगइन है, अब इसको अपने ऐप्स के अंदर ऐड कर लीजिएगा अगर आपके अंदर नहीं होगा तो। और इसके बाद मैं आपको dependencies दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए ये सब डिफ़ॉल्ट है ये कोटलिन में एंड्रॉयड की तरफ से। और ये जो दूसरा है, एक है वोली लाइब्रेरी, एक ग्लाइड लाइब्रेरी। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ऐड वोली लाइब्रेरी फॉर नेटवर्क रिक्वेस्ट कॉलिंग API। हम API को बेसिकली इसमें कॉल कर रहे होंगे वोली लाइब्रेरी के थ्रू, जो कि डेटा को फेच करने का काम करता है। तो हम इसका वोली लाइब्रेरी का यूज़ देखेंगे बैकएंड में। और यहाँ पे देखिए दूसरा जो लाइब्रेरी हमने यूज़ किया हुआ है ग्लाइड लाइब्रेरी, ये क्या करता है बेसिकली, ये जो हमारे इमेज को लोडिंग करने का काम करता है। जी हाँ, इसको ग्लाइड लाइब्रेरी के थ्रू हम अपने जो लेआउट है उस पर हम अपनी जो मीम्स आ रही होंगी उसको हम उस पर लोड कर रहे होंगे। तो ग्लाइड लाइब्रेरी हम इमेज की लोडिंग के लिए यूज़ करेंगे और वोली लाइब्रेरी नेटवर्क रिक्वेस्ट कॉलिंग API के लिए यूज़ करेंगे। तो ये सारी डिपेंडेंसीज हैं, आप इसको अपने ऐप के अंदर ऐड कर लीजिएगा। और कोई भी एरर्स आपको फेस करना हो तो हम सारी जो बग फिक्सिंग की वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जाके आप सर्च कर सकते हैं। कुछ भी तरह के एरर्स आ सकते हैं, डुप्लीकेट रिसोर्सेज और इट मे बी अनरिजॉल्व प्रीफ्रेंस, तो सारी मैंने बग्स के यहाँ पे इसमें चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले एंड्रॉयड manifest.xml। इसमें हम बेसिकली कुछ हमें करना नहीं है, सब कुछ डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है जैसा है। लेकिन इसमें एक आपको चीज़ करनी है कि ये आपको इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़र परमिशन android.permission.internet ये जो आपका लाइन है इसको आपको यूज़ कर लेना है, बस सिंपल। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं मेन एक्टिविटी डॉट कोटलिन वाली फाइल की, जिसमें हमारी एक मेन एक्टिविटी क्लास है जो कि ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, ताकि हम जो एंड्रॉयड की फंक्शनलिटीज़ हैं उसको हम एक्सेस कर पाएँ अपने ऐप के अंदर। और हमने इनिशियली एक करेंट इमेज वायरल टाइप ऑफ स्ट्रिंग का एक हमने वेरिएबल लिया हुआ है, जिसमें अभी नल असाइन किया हुआ है। अभी हमारे पास इमेज का लिंक नहीं है, URL नहीं है। और दूसरा बात है ओवरराइड फन ऑन क्रिएट मेथड, यहाँ पे हम अपनी XML फाइल को सेट कर रहे होंगे, अपनी फंक्शंस को कॉल कर रहे होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। और इनिशियली हमने एक लोड मीम नाम का फंक्शन बनाया हुआ है, जब हम लोड मीम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बेसिकली इसकी टाइप प्राइवेट, हमने इसको प्राइवेट डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसमें हम ये करेंगे कि देखिए प्रोग्रेस बार डॉट विजिबिलिटी व्यू डॉट विजिबल, हमने प्रोग्रेस बार जो है हमारी एक XML फाइल में, देखिए इसका ID क्या, ये हमारा प्रोग्रेस बार है, इसकी ID हमने दी हुई है प्रोग्रेस बार, ठीक है। इसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे प्रोग्रेस बार डॉट विजिबिलिटी इज कॉल्ड व्यू डॉट विजिबल। यहाँ पे हमने ये किया हुआ है कि जब हमारी ऐप लोड हो, जब लोड हो रहा हो तो वहाँ पे ये घूम रहा हो, मतलब ये जो प्रोग्रेस बार हो घूम रहा हो, और जब हमारी ऐप कोई मीम्स लोड हो जाए तो उसको गोन हो जाए। देखिए इसमें हम एक क्यू बनाए हुए हैं वॉली के थ्रू, और ये जो हमारा URL है heroku.app.com, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप वेबसाइट heroku.app.com, इसके लिए एक वेबसाइट है जो कि JSON ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट JavaScript ऑब्जेक्ट नोटेशन के फॉर्म में ये जो डेटा हमें प्रोवाइड कर रही है, जो रॉ फॉर्म में दी गई है। हमें इसके सिर्फ URL से मतलब है, क्योंकि हमें इसकी इमेज चाहिए, तो ये इस URL को हम यूज़ करने वाले हैं। तो अपने ऐप के अंदर चलते हैं, देखिए ये जो हमने यहाँ पर URL असाइन किया हुआ है, तो बेसिकली हमें JSON ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट के फॉर्म में जो डेटा मिल रही है, तो हम उसको अब JSON ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट के एक्सेस करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। देखिए हमने क्या किया हुआ, एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ JSON ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट नाम का, जो कि यहाँ पे com.android, और हम वॉली से उस URL को वहाँ से फेच करके गेट कर रहे होंगे। और गेट करने के बाद, उसको गेट करने के बाद हम क्या करेंगे, उस URL को अपने, यहाँ पे देखिए इस URL को हम अपने स्ट्रिंग गेट स्ट्रिंग करेंट इमेज URL के अंदर हम उसको ले लेंगे, ठीक है। लेने के बाद हम क्या करेंगे, जब वो हमें जो हमें लिंक मिल जाएगा, जो URL हमें मिल जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, अब हमें लोड कराना होगा इमेज को। तो हम वहाँ पे आई हैव यूज्ड ग्लाइड लाइब्रेरी फॉर इमेज लोडिंग फॉर टू द ऐप, तो अब हम उस इमेज को, उस लिंक को के थ्रू हम अपने ऐप के अंदर इमेज को शो करवा रहे होंगे अपने ऐप के अंदर। देखिए अब ग्लाइड डॉट विथ दिस लोड करेंट इमेज URL, हम उसको लोड करेंगे किसको, करेंट इमेज URL को। और यहाँ पे हमने एक लिसनर का यूज़ किया हुआ है,
जिसमें एक इंटरफेस का यूज़ किया है जिसमें हमने दो फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसका ये है ओवरराइड फॉर अनलोड फेल्ड, मतलब जब हमारा रिक्वेस्ट फेल्ड हो जाए या किसी वजह से इंटरनेट कनेक्शन या एनीथिंग किसी भी चीज़ की वजह से फेल्ड हो जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कोड के अंदर क्या लिखेंगे, प्रोग्रेस बार डॉट विजिबिलिटी इक्वल टू व्यू डॉट कॉम, मतलब हमें जो प्रोग्रेस बार होगा उसको क्या करा देना है, जो घूमने वाला चक्कर होगा उसको हमें क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है कि ख़त्म हो जाए, नहीं तो चलता रहेगा तो वो इन्फिनिटी टाइम चलता रहेगा। तो हमने इस यहाँ पर रिटर्न फाल्स कर दिया है। और दूसरा हमने क्या किया है, ये किया कि ओवरराइड फन ऑन रिसोर्स रेडी, मतलब हमारा रिक्वेस्ट फेच होकर आ जाए उसको लोड हो जाए, जब लोड हो जाए तो क्या करना है, देखिए जब लोड हो जाएगा इमेज, जब आपका मीम लोड हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है प्रोग्रेस डॉट व्यू विजिबिलिटी डॉट गोन। फिर भी हमें देखिए लोड जो प्रोग्रेस बार होगा उसको तो गोन करना ही पड़ेगा ना, चाहे इमेज लोड हो चाहे नहीं हो, इमेज लोड होने हो जाने के बाद भी तुरंत गोन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे गोन कर दिया और रिटर्न फास्ट कर दिया। और हमें इमेज को जो मीम होगी उसको कहाँ ले जाना है भाई, देखिए इनटू इमेज व्यू, हमें कहाँ ले जाना है, हमें इमेज व्यू के अंदर, अब इस इमेज व्यू का को दिखाते हैं आप एक मिनट, इमेज व्यू पे चलते हैं। हमारा इमेज व्यू है, इसका आईडी क्या है, इमेज व्यू, तो इस इमेज व्यू पे हम अपने रिप्लेस करवा देंगे वो मीम को, मेन डॉट जी, यहाँ पे हम अपने मीम को करा देंगे ऐप के अंदर, तो इस तरह से होगा। और यहाँ पे रिस्पॉन्स एरर डॉट एक्सएल, अगर कुछ आपको अपने से ऑन लिखना हो कोड तो लिख सकते हैं अगर कुछ एरर रिक्वेस्ट। और हमने जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट को अपने क्यू में ऐड कर दिया ताकि हम इसको यूज कर पाएँ, ठीक है, इतना समझ गया। अब बात करते हैं, दोनों बटन बचे हैं शेयर मीम और नेक्स्ट मीम। देखिए सबसे पहले हम नेक्स्ट मीम की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट मीम में क्या करेंगे कि जैसे हमने लोड मीम यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है, लोड मीम हमने यहाँ पे बनाया, तो इसको हम क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, क्यों भाई, नेक्स्ट मीम पे हमें क्लिक करना है तो फिर से एक नया मीम आ जाएगा, इसे हमें बार बार बनाना नहीं पड़ रहा है, लोड मीम को हमने इसमें यूज़ कर लिया ताकि एक बार हम इसको जब नेक्स्ट मीम पे क्लिक करेंगे हमारा लोड मीम, ये लोड मीम होकर मतलब हमारा नया मीम सामने आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट मीम फंक्शन सॉरी नेक्स्ट मीम बटन हमने इसलिए यूज़ किया, यहाँ पे लोड मीम फंक्शन का हमने यूज़ किया। अब हम बात करते हैं शेयर मीम का। इस शेयर मीम में हमने क्या किया हुआ, एक इंटेंट चला दिया है जो कि एक्शन डॉट सेंड का सेंडिंग करने का एक इंटेंट चला दिया है, और उसका टाइप हमने दे दिया प्लेन, क्योंकि हमें प्लेन हमें MP3 फॉर्मेट में तो नहीं भेजना है, वीडियो फॉर्मेट में तो नहीं भेजना है, तो हमारा उसका इंटेंट टाइप आप दे दीजिए टेक्स्ट प्लेन। और दूसरा क्या है कि कुछ आप एक्स्ट्रा मैसेज पुट कर सकते हैं, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, ये हम कर देंगे जब हम इस किसी को लिंक शेयर कर रहे होंगे उस टाइम, तो हे शेयर दिस अमेजिंग मीम आई गॉट इट फ्रॉम रेडिट, और इस URL का यहाँ पे हमने करेंट डॉट इमेज URL का हमने लिंक दे दिया है, ठीक है। और एक हमने चूजर बना लिया, ये चूजर क्या काम करेगा, चूज करने का कि आप भाई व्हाट्सअप पे शेयर करना चाहते हैं, विडमेट पे शेयर करना चाहते हैं, फेसबुक पे शेयर करना चाहते हैं, जिस किसी पे भी चूज़ करना चाहते हो आप इसको इस लाइन से आप चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम उसको चला देंगे स्टार्ट एक्टिविटी चूजर करके, इस तरह से हमारा ऐप काम करेगा। बेसिकली अपने इसमें दो बटन का यूज़ करना सीखा कि शेयर मीम और नेक्स्ट मीम पे हम क्या करेंगे, हमने बस मेथड्स डिक्लेयर कर दिया था लोड मीम, और उसके थ्रू हम दोनों में एक्सेस कर रहे थे। और हमने ग्लाइड लाइब्रेरी को देखा कि ग्लाइड लाइब्रेरी क्या काम करता है, वाली लाइब्रेरी क्या काम करता है। तो ये आपका ये जो कोड है, अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।